डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ और आप देख रहे हैं चैनल मार्वल्स ऑफ इंग्लिश। तो आज हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो मेथड में हमने ये सीखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि अगर क्वेश्चन वर्ड हो या WH फैमिली का मेंबर, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, अगर हो तो सबसे पहले वो यूज़ किया जाता है। फिर विशेषण में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी, और उसके बाद वर्ब की आईएनडी वाली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, और आखिर में अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर सब्जेक्ट हमारा हो आई या हुई तो इस्तेमाल करेंगे शैल बी, और बाकी सब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा विल बी। और सेंटेंस को एनालाइज करने का जो हमने मेथड सीखा था लेक्चर नंबर 9 और 10 में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको वहाँ से देखा जा सकता है। तो आइए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि क्या वो अपने फराइज से गफलत बरत रहा होगा। तो हमने ये सीखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो तरह के, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो हमने कहा था कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो यानी कि हाँ या ना में दिया जा सके, उसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। टेंस की लिमिट कोई नहीं है, डू डज से, इज आर एम से, हैज एफ से, डिड से, वाज वर से, हैड से, विल शर से। और दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर देने के लिए हमें कोई डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, हाँ या ना से काम नहीं चलता। तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो अगर मैं ही आपसे पूछूंगी कि क्या वो अपने फराइज से गफलत बरत रहा होगा, तो हम कह सकते हैं हाँ या नहीं। इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। और हमने कहा था कि उर्दू में क्वेश्चन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती, वो कभी सब्जेक्ट से पहले, कभी दरमियान में, और कभी वर्ब से पहले होता है। तो जहाँ हमने कहा था क्वेश्चन आया करेगा, उसको हम अंडरलाइन करके क्यू फॉर क्वेश्चन लिख दिया करेंगे। तो क्या को तो अंडरलाइन करके लिख देंगे क्यू फॉर क्वेश्चन, बाकी सेंटेंस हमारा सिंपल या नेगेटिव रह जाएगा। जैसे वो अपने फराइज से गफलत बरत रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कौन अपने फराइज से गफलत बरत रहा होगा, तो आंसर मिलेगा वो क्या कर रहा होगा, गफलत बरतना से गफलत बरत रहा होगा। वर्ब नंबर टू, वो क्या है जिससे गफलत बरत रहा होगा, तो आंसर मिलेगा अपने फराइज से। तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका आंसर यस या नो में आ सकता है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। विल ही बी निगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज, नंबर है टू। क्या वो बाइसिकल मुरम्मत कर रहा होगा, इसका जवाब भी यस या नो में आ सकता है, हाँ या नहीं। तो क्या आप अंडरलाइन करके लिखेंगे क्यू फॉर क्वेश्चन, और ये इंग्लिश में शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। बाकी सेंटेंस रह गया वो बाइसिकल मुरम्मत कर रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछूंगी कौन बाइसिकल मुरम्मत कर रहा होगा, तो आंसर मिलेगा वो क्या कर रहा होगा, मुरम्मत करना से मुरम्मत कर रहा होगा। वर्ब नंबर टू, वो क्या है जो मुरम्मत कर रहा होगा, तो आंसर में बाइसिकल। तो इसका आंसर यस या नो में आ सकता था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से। तो विल ही बी रिपेयरिंग द बाइसिकल, सेंटेंस नंबर थ्री। वो आपको क्यों बेवकूफ बना रहे होंगे, इसका आंसर यस या नो में नहीं आ सकता, आपको इसकी कोई रीजन बयान करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से नहीं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो क्यों को अंडरलाइन करके लिख लेंगे क्यू फॉर क्वेश्चन, बाकी सेंटेंस आ जाएगा वो आपको बेवकूफ बना रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगी कौन आपको बेवकूफ बना रहे होंगे, तो आंसर में आएगा वो क्या कर रहे होंगे, बेवकूफ बनाना से बेवकूफ बना रहे होंगे। वर्ब नंबर टू, किसको, आपको। तो वर्ब के बाद आंसर आ रहा है होम का, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए व्हाई विल दे बी बिफूलिंग यू, बिफूल होता है बेवकूफ बनाना। नंबर है फोर, क्या नौकर अपने मालिक की खिदमत कर रहा होगा, हम कह सकते हैं हाँ या नहीं, इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। तो क्या आप अंडरलाइन करके लिख लेंगे क्यू फॉर क्वेश्चन, बाकी सेंटेंस आ जाएगा नौकर अपने मालिक की खिदमत कर रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगी कौन अपने मालिक की खिदमत कर रहा होगा, तो आंसर में आएगा नौकर। क्या कर रहा होगा, खिदमत करना से खिदमत कर रहा होगा। वर्ब नंबर टू, किसकी, अपने मालिक की। तो इसका आंसर चूंकि यस या नो में आ रहा है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब से। तो विल द सर्वेंट बी सर्विंग हिज मास्टर, और लास्ट वन है क्या वो इस वक्त मुकाबले की तैयारी कर रहा होगा, इसका आंसर भी यस या नो में आ सकता है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। क्या आपको अंडरलाइन करके लिख लेंगे क्यू फॉर क्वेश्चन, बाकी सेंटेंस रहेगा वो इस वक्त मुकाबले की तैयारी कर रहा होगा। अगर मैं पूछूंगी कौन इस वक्त मुकाबले की तैयारी कर रहा होगा, तो आंसर आएगा वो क्या कर रहा होगा, तैयारी करना से तैयारी कर रहा होगा। वर्ब नंबर टू, वो क्या है जिसकी तैयारी कर रहा होगा, आंसर में आएगा मुकाबले की। कब, इस वक्त। तो आपने देखा वर्ब के बाद पहले आंसर आ रहा है व्हाट का,
जो कि ऑब्जेक्ट है और उसके बाद आंसर आ रहा है व्हेन का जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो चूंकि इसका आंसर यस या नो में आ रहा है लिहाजा ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो विल ही बी प्रिपेयरिंग फॉर द कंटेस्ट एट प्रेजेंट, तो प्रिपेयर के साथ जो अपनी प्रेपोजिशन है वो आती है फॉर। तो फॉर चूंकि प्रेपोजिशन है इसकी डिमांड है नाउन और वो है कंटेस्ट, इसका नाउन है लिहाजा हमें कहना होगा कि कंटेस्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी टेंस की जो है वो हम करेक्शन डिस्कस